जो बहुत ड्राई करके बनाया गया है, जो बुल्टी मौसी ने बनाया है। और ये है जो एक वेजिटेबल सब्जी है, जो आपका फूल गोभी बैगन ये सब से बना है, बहुत टेस्टी होता है ये इस कॉम्बिनेशन से। और ये है मछली की हेड से लाओ, जो इधर का बंगाल का ट्रेडिशनल है। ये किसका है? ये मेरा है। कल आपने अपना कोटा खा लिया ना, पापदा मच नहीं मिलता मुझे रांची में। और ये हरी मिर्ची है धोनी भैया के फार्म हाउस से, हम लोग यहाँ कोलकाता लेकर आ गए। बहुत नजर दिया है उसमें, नजर ना लगे, नजर काटने के लिए, नजर काटने के लिए, नजर काटने के लिए दे रही हूँ। चिकन 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 डाल रही है माँ। हम दोनों के लिए खाना रेडी हो गया। देखिए कितने प्यार से माँ, इतना दिन बाद बेटी और दामाद आई है तो कोई भी ये नहीं छोड़ रही है, इस तरह से खाना दे रही है। खाना दिलीप देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छी तरह से खाना बन रहा है। आओ देखो 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 तुम्हारे लिए कितना प्यार से माँ ने। तो दिलीप खाना खाने आई है, देखिए आपके लिए माँ ने इतना अच्छी तरह से। ये है चिकन ड्राई है, ये बुल्टी मौसी ने बनाया है ये। हाँ ये है सब्जी जो मेरा फेवरेट है बोल के ये वाला माँ इस बार मैं आई हूँ तो बनाए हैं। फूल गोभी और इसमें बैगन है और सीम है, इससे बहुत अच्छा होता है, धनिया पत्ता से बहुत टेस्टी होता है। ये है मुर्गा घंटो मछली की हेड से और कड़ी जो बुल्टी मौसी ने बना है। ये है सब्जी, ये मेरा फेवरेट सब्जी है जो मैं कोलकाता इसलिए माँ मैं आई हूँ इसलिए बनाया है। फूल गोभी दाल है। ये है चिकन जो बहुत ड्राई करके बनाया गया है, जो बुल्टी मौसी ने बनाया है। और ये है किसका है? ये मेरा है। कल आपने अपना कोटा खा लिया ना, रात को मैं नहीं खाई तो माँ मेरे लिए बचा के रख दी। ये पापदा मुझे दे दीजिएगा। नहीं नहीं ये मेरा है, मैंने पापदा मच नहीं मिलता मुझे रांची में। मधुमिता को मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रही, रोहू खा के तंग आ गई। जबकि रोहू कितना टेस्टी होता है तो पता है ना। हाँ लेकिन एक ही फिश मिलता है ना मुझे, और कुछ भी वेराइटीज नहीं मिलता। ये जो पापदा है कल रात मैं खा लिया हूँ, मधुमिता कल रोहू खाई थी तो रोहू तो मेरा रोहू किधर है? चिकन है नहीं, रोहू तो बचाया माँ, एक ही पीस था तो माँ रख दिया था तो हाँ। लेजा नहीं खाते बोल के मुझे दे दिया था। हाँ। माँ इधर बैठी हुई है, हाँ, केवल हम लोगों की बातें सुन रही है। हाँ पापदा जो था कल सबके लिए बना था, लेकिन मधुमिता इसलिए नहीं खाई कि एक रोहू भी बचा हुआ था लेजा, तो उस लेजा पीस को पूँछ वाला पीस मधुमिता खाई और मैं पापदा ही खाया 2 पीस। तो आज एक बचा के रखा गया है इसके लिए पापदा। और ससुराल में खासतौर ज़्यादातर बंगाली फैमिली में ये होता है कि पापदा के पीछे सब पड़ जाते हैं, कोई पापदा बांटना और शेयर करना भी नहीं चाहता। मधुमिता भी शेयर करना नहीं चाह रही है क्योंकि इतने दिनों से नहीं खाई है। थोड़ा सा मिलेगा मुझे। अच्छा चलिए अभी इतना खाते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हम लोग का फूड अभी क्या है, फूड टूर चल रहा है। और ससुराल में रहें और खाने में मतलब इंजॉय ना करें, इंडल्ज ना करें तो फिर क्या फ़ायदा है। बहुत नजर दिया है उसमें, नजर ना लगे, नजर काटने के लिए, नजर काटने के लिए दे रही हूँ।